BASPL ऋषि कपूर ने इस अभिनेत्री को डेट करने की कही थी बात, लेकिन शादी से साफ कर दिया था इनकार। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से लाखों करोड़ों लाए गाय का दिल जीता। आज 67 साल की उम्र में भी ऋषि कपूर फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। बता दें कि आज ऋषि कपूर अपना 67वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। आप जानते ही होंगे कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी को हिंदी सिनेमा की पॉपुलर जोड़ियों में से एक माना जाता है। ऋषि कपूर और नीतू कपूर मोस्ट आइकॉनिक ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कपल हैं। शादी के 39 सालों से बाद भी दोनों की केमिस्ट्री गजब की है। दोनों एक दूसरे का बखूबी साथ निभा रहे हैं। ऋषि नीतू की तारीफ करते थकते नहीं है। इस तरह हुआ था नीतू कपूर संग प्यार का एहसास। फिल्मों में काम के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये कपल शादी के बंधन में बंध गया। कपल की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। ऋषि और नीतू ने साथ में कई फिल्में की हैं। दोनों जब भी स्क्रीन पर आते थे तो जादू बिखेर देते थे। इस दौरान दोनों ने काफी टाइम साथ बिताया। हालांकि दोनों कभी भी अट्रैक्ट नहीं हुए। ऋषि कपूर को नीतू से प्यार का एहसास तब हुआ जब वे फिल्म बारूद के शूट के चलते कुछ दिनों के लिए उनसे दूर हुए। वेब पोर्टल के मुताबिक ऋषि कपूर शूटिंग के लिए पेरिस गए थे और वहां वो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। 2 से 3 दिन में ही ऋषि को इस बात का एहसास हुआ कि वो नीतू से प्यार करते हैं। पेरिस से ऋषि ने नीतू को टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम में ऋषि ने लिखा था, ये सिखनी बड़ी याद आती है। ये पढ़कर नीतू कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपनी खुशी किसी से छुपा नहीं पाई। उन्होंने टेलीग्राम उठाकर यश और पामेला चोपड़ा का दिखाया। हालांकि ऋषि ने नीतू से अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था, लेकिन वो कमिटमेंट से डरते थे। उन्हें शादी एक जिम्मेदारी लगती थी और उस समय वो शादी के लिए तैयार भी नहीं थे। रिलेशनशिप के दौरान ऋषि ने नीतू से कहा था, मैं सिर्फ तुम्हें डेट करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। ऋषि कपूर की बहन ने दोनों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। ऋषि की नीतू से सगाई भी बेहद दिलचस्प तरीके से हुई थी। ऋषि कपूर एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे और उनकी बहन ने चुपके से दोनों के परिवारों को इस शादी में इनवाइट किया था। दोनों के परिवार उनके रिलेशनशिप के बारे में जानते थे। परिवार वालों ने उसी समय दोनों की सगाई करने का फैसला किया। उस वक्त ऋषि कपूर के पास नीतू को पहनाने के लिए अंगूठी भी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन से अंगूठी लेकर नीतू को पहना दी थी। वहीं नीतू कपूर ने फिल्म झूठा कहीं का के डायरेक्टर की अंगूठी ऋषि कपूर को पहनाई थी। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। बता दें कि ऋषि ने नीतू को 5 साल डेट करने के बाद शादी की थी। इन दिनों वो न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रहे हैं। ऋषि की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, वो जल्द ही इंडिया वापस आ सकते हैं। दैनिक सवेरा की तरफ से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।